हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखिए तीन तरह के स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी मदद नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वह यहाँ से चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगला देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ आइए तो सही, अरे सुनिए तो सही, उसे बुलाइए तो सही, अरे आप वहाँ जाइए तो सही। तीसरा तो स्ट्रक्चर देखिए, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूँगा, समय आने पर वह चली जाएगी, समय आने पर मैं यह खरीद लूँगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी मदद नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस को देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर आज के वीडियो का। देखिए जो भी सेंटेंस उसमें हम पढ़ रहे थे उसमें एक वर्ड और फ्रेज आ रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सेंटेंस देखने में केवल कठिन है, लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक फ्रेज आ रहा था सेंटेंस में, ठीक। देखिए तो क्या रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे कोई सेंटेंस दिया जा रहा है, सेंटेंस के बनावट पे आप विचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद यहाँ पर कोई सेंटेंस दिया है सेंटेंस में। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी मदद नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वह यहाँ से चला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा और सेंटेंस वह यहाँ से चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा और सेंटेंस तुम मेरी मदद नहीं करोगे। इंग्लिश बनाना एकदम आसान है, ठीक है। देखिए करना क्या है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रेज है हम अनुवाद करेंगे, तो इसकी इंग्लिश के लिए हम लोग लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा के लिए एट द मोस्ट, ये फ्रेज है ज़्यादा ज़्यादा, इसकी इंग्लिश होती है एट द मोस्ट, ठीक, ये लिख देना है। बाकी आपको ये जो सेंटेंस है जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये तो पहले से आता होगा, ठीक, बस हो गया, देखने में कठिन है, बस बन गया। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू देखिए इसको समझाता हूँ। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वह मेरी मदद नहीं करेगा, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा की इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे हम, एट द मोस्ट हो गया, बस अब ये इतना हो गया। अब ये जो सेंटेंस बचा इसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब ये कौन सा टेंस है, ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, वह मेरी मदद नहीं करेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट वह, ही, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, फिर नॉट, हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा, बन गया, ठीक। एक और एग्जांपल आइए देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है, ज़्यादा से ज़्यादा वह यहाँ से चली जाएगी, ठीक, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा की इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, एट द मोस्ट हो गया, वह यहाँ से चली जाएगी, ये किसने लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, आप फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दीजिए, ये कोई भी टेंस हो सकता है, तो जो टेंस दिया रहेगा वो टेंस आप बनाएंगे। वह यहाँ से चली जाएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट सी विल गो, चली जाएगी फ्रॉम हियर, वह यहाँ से चली जाएगी, बस हो गया। अब आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर दो पर, चलिए देखिए दूसरा स्ट्रक्चर में क्या है। दूसरा स्ट्रक्चर में है कि देखिए यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर में सेंटेंस क्या दिया है, यहाँ आइए तो सही, सुनिए तो सही, उसे बुलाइए तो सही, आप वहाँ जाइए तो सही। ये देखिए इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इसमें दूसरे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो जो भी आप सेंटेंस देखे हैं, यहाँ आइए तो सही, देखिए मैं पहले सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, यहाँ आइए तो सही, ठीक, उसे बुलाइए, ये देखिए फर्स्ट, दूसरा लिख दे रहा हूँ,
उसे बुलाइए तो सही, बुलाइए तो सही। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस आप जो भी देखेंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये मत करो, वो मत करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस है। वही चीज़ें भी लिखा हुआ है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इम्परेटिव सेंटेंस से करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो इंग्लिश इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है लेकिन हम उसे लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आइए, कम हियर, वहाँ जाइए, गो देयर, ठीक। दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर, खिड़की बंद करिए, क्लोज द विंडो, हो गया, ठीक। वही चीज़ें भी लिखा है, बस ये इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए तो सही शब्द जोड़ दिया है, तो सही। तो ये क्या कर रहा है? तो सही, ये प्रेशर दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रेशर, ठीक है। तो कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस है अगर हमको प्रेशर देना है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के पहले यहीं पे डू जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे? डू। बस हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब देखिए इस रूल से अगर बनाए हम, यहाँ आइए तो सही, यहाँ आइए तो सही, ठीक है। तो यहाँ आइए का इंग्लिश क्या होगी? यहाँ आइए की इंग्लिश होगी कम हियर, यहाँ आइए, ठीक। अब इसमें तो सही, तो यही आप जोड़ दीजिए, डू कम हियर, हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, उसे बुलाइए तो सही, तो उसे बुलाइए का इंग्लिश क्या होगी? कॉल हिम, उसे बुलाइए, ये हो गया। अब इसमें क्या दिया है? तो सही, ये प्रेशर के लिए है, यही आप डू जोड़ दीजिए, डू कॉल हिम, बस हो गया। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम उसको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आइए तीसरे स्ट्रक्चर पे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए तीसरे स्ट्रक्चर पे हम लोग आज चलते हैं आज के वीडियो का। चलिए देखिए आज तीसरा स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए मैं आपको सेंटेंस पहले दिखा दे रहा हूँ। देखिए, समय आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, समय आने पर वह चली जाएगी, समय आने पर मैं खरीद लूंगा, समय आने पर सब हो जाएगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सारे सेंटेंस में समय आने पर, समय आने पर। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए, तो इसमें जितना भी सेंटेंस आ रहा था इसमें एक वह फ्रेज आ रहा है समय आने पर, समय आने पर, बहुत ईजी है, आने पर ये आ रहा था। इसके बाद क्या आ रहा है? सेंटेंस दे रहा है समय आने पर, इसके बाद आ रहा है सेंटेंस, समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर मैं यह कार खरीद लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये समय आने पर फ्रेज है, ठीक। अब इसकी इंग्लिश के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये समय आने पर की इंग्लिश के लिए लिखेंगे इन कोर्स, इन सी ओ यू आर एस, कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद ये सेंटेंस, उसके आगे जो सेंटेंस दिया रहेगा जिस टेंस में दिया रहेगा उसको आप ऐसे कर लेंगे, हो गया। एक उपाय और है, अगर आप हम चाहें तो इन कोर्स ऑफ टाइम को हटा करके इसके जगह पे हम लिख सकते हैं व्हेन द टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स प्लस यहाँ आ गया आपका सेंटेंस, ठीक। समय आने पर, तो या तो इसकी इंग्लिश के लिए लिखिए इन कोर्स ऑफ टाइम, आगे जो सेंटेंस दिया उतार दीजिए, या समय आने पर, इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो समय आने पर का मतलब हो गया कि जब समय आएगा, जब समय आएगा, तो उस हिसाब से हमने बना दिया व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा कंडीशनल है, क्या है? कंडीशनल, जब समय आएगा कंडीशनल है, कंडीशनल दिया फ्यूचर में है, लेकिन कंडीशनल की इंग्लिश फ्यूचर में नहीं बनती है, प्रेजेंट में बनती है। तो समय आने पर इसका मतलब हो गया जब समय आएगा, तो बोल फ्यूचर में रहें लेकिन इंग्लिश किस में बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस इस, ये आपका हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देखिए दिखाता हूँ। चलिए देखिए एग्जांपल, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तो समय आने पर,
तो इसको हम लोग पहले रूल से बनाएंगे, तो इन कोर्स ऑफ टाइम हो गया, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब ये फ्यूचर में लिखा है एवरी थिंग माने सब विल बी, एवरी थिंग विल बी फाइन। चलिए एवरी थिंग विल बी फाइन, ठीक है ना। ये और इस तरह से अगर दूसरे वाले रूल से अगर बनाते हैं तो इन कोर्स ऑफ टाइम हटा दीजिए, यहीं पे हम लिखेंगे व्हेन द टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, ठीक। अब आगे यही आप उतार दीजिए, यही सेंटेंस हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है ना। देखिए एवरी थिंग विल बी फाइन, ठीक। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा, समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। तो अब बनाइए, तो समय आने पर इन कोर्स ऑफ टाइम हो गया, मैं आपको सब बता दूंगा, आई विल टेल, फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई विल टेल यू आपको एवरी थिंग। और अगर उन दूसरे वाले सेंटेंस से बनाना चाहें तो हो जाएगा आपका व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स कॉमा आई विल टेल यू एवरी थिंग, ठीक। तुम हो गया, ये आपका देखिए इस वीडियो में तीन स्ट्रक्चर आपको बता दिए। और अगर आपको वीडियो समझ में आया, ठीक है, सब कुछ अगर अच्छे से रूल समझ में आया, तो ये सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए। देखिए मैंने पूरे डिटेल से सारा रूल आपको इसमें बताया हुआ है। चलिए देखिए ये आप लगा डालिए, वीडियो को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।